बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है ये बड़े समझ लें कि मैं बड़े दिल से बड़े शौक से बना रहा हूँ, वो इस बिना पर कि एफ एस सी को ख़ास कर अगर हम फोकस करें तो एफ एस सी में एक चैप्टर नंबर 8 है वेव्स के नाम पर, और उसमें वेव्स के बारे में बहुत से आइडियाज़ हैं जो वैसे तो थियोरेटिकल लिखे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसके विजुअल्स को नहीं समझ पाते, जो वेव्स की प्रोपगेशन को नहीं समझ पाते। वेव्स की रिफ्लेक्शन का इतना डिटेल टॉपिक है, और अगर वो एक नज़र आप देख लें कि वो वेव्स रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं तो शायद आपको पूरा टॉपिक भी ना पढ़ना पड़े। फिर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, फिर बीट्स फिनोमेना है। तो आज का वीडियो अगर आप मुकम्मल देखेंगे और गौर से सब्र व तहम्मुल के साथ देखेंगे तो मैं आपको वेव से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 में जितने आइडियाज़ हैं खुद सामने नहीं आऊँगा, लेकिन विजुअल्स ऐसे हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें एनिमेशंस के ज़रिए जो हैं वो समझ आएंगी। अब जैसे स्क्रीन पर आप एक वेव मोशन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सबसे पहले इसको गौर से ऑब्ज़र्व करें। पहली बात तो इतना खूबसूरत जो सिमेट्री है कि एक स्ट्रिंग बनी हुई है जिसमें रेड डॉट्स हैं, कुछ ग्रीन डॉट्स हैं, और आपको यूँ लग रहा है कि ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल करती हुई जा रही है। और वेव्स पे आ जाएं तो हमने ज़िंदगी में कितनी तरह की वेव्स देखी हैं, हमने वाटर वेव्स देखी हुई हैं, इसी तरह साउंड वेव्स को हम सुनते हैं, लाइट वेव्स को हम देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स हैं उन सब के कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, कॉमन बातें हैं याद रखने और समझने वाली। अब सबसे पहले वेव को अंडरस्टैंड करते हैं, तो लेट्स स्टॉप दिस वेव मोशन, रीसेट दिस वेव मोशन। सबसे पहले बच्चों ये बात याद रखें कि वेव्स दो तरह की होती हैं। एक वो वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, जैसे यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग देख रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होगी तो जो वेव्स अभी आप प्रोड्यूस होते हुए देख रहे थे वो नहीं प्रोड्यूस होंगे। और दूसरी तरह की वेव्स जिनको हम लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, उन वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो आज के एनिमेशन में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी एक इंट्रोडक्शन दूंगा। इन शॉर्ट बस ये सोच कर बैठ जाएं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में वेव्स के हवाले से कोई मिसकॉन्सेप्शन इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इस रेड स्ट्रिंग को देखें बच्चों, इस स्ट्रिंग में कुछ रेड डॉट्स हैं, रेड पॉइंट्स हैं, फिर ग्रीन पॉइंट है, फिर रेड पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स क्या हैं? ये एक मीडियम है, कोई भी मीडियम होता है वो मीडियम, द मीडियम इज़ मेड अप ऑफ पॉइंट्स। आप यूँ इंग्लिश में, चूँकि हम सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो एनी मीडियम दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पर कोई वेव जनरेटर है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली मशीन है, तो जैसे ही मैं इस प्ले बटन को क्लिक करूँगा, आपने सबसे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, क्या ये सब पार्टिकल्स जो डॉट्स जो रेड और ग्रीन बने ये भी वेव के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर ये अपनी किसी एक सर्टन पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व इट। अब मिसाल के तौर पे हम फोकस कर लेते हैं यहां पर मौजूद एक ग्रीन डॉट को। अब ये ग्रीन पॉइंट ये तो आगे नहीं ट्रेवल कर रहा, ट्रेवल क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है वेव। वेव क्या कैरी कर रही है? वेव एनर्जी कैरी कर रही है, लेकिन वेव आगे बढ़ने के लिए इस मीडियम और मीडियम के पार्टिकल्स को यूज़ कर रही है। अभी जो आप वेव मोशन देख रहे हैं ये है ट्रांसवर्स मोशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखें तो वेव की ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, मतलब ये मैं जिस तरह माउस को कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। लेकिन अगर हम किसी इसके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को गौर से देखें, ये प्रोपगेशन वेक्टर है और ये ऑसिलेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम डिफाइन क्या करते हैं? वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये तो हो गया कि इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रख लें कि वेव्स मीडियम्स, मीडियम के पार्टिकल्स को यूज़ करती हैं, वो पार्टिकल्स या तो लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहे होते हैं या वो ट्रांसवर्सली यानी परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? यहाँ पर आपको एक ऑप्शन एम्पलीट्यूड नज़र आ रही, अगर मैं इसको कम करता जाऊँगा ना तो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व कि अब देखें
वेव की जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो पहले से कम हो गई, और एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले से ज़्यादा हो गई। तो अब आप सब बच्चों ने याद रखना है एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये है कि हाउ स्पीडली, हाउ रैपिडली द क्रस्ट एंड ड्रिफ्ट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत हाई मैक्सिमम कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो देखिए देर आर मोर नंबर ऑफ वेव्स इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ स्पेस, और फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे तो देर विल बी लेस नंबर ऑफ वेव्स इन द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। तो ये आप फ्रीक्वेंसी का फैक्टर हो गया। फिर एक चीज देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक फैक्टर लिखा हुआ डैम्पिंग। अब देखें चूंकि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर ये जिस तरह की स्ट्रिंग है ये समझ लें एक आइडियल स्ट्रिंग है। अब आइडियल स्ट्रिंग में तो कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम यहाँ पर डैम्पिंग का फैक्टर ऐड करते जाएंगे तो जस्ट ऑब्जर्व कम क्या चीज़ हो रही है, कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, कम क्या हो रहा है एम्पलीट्यूड। देखिए मैं डैम्पिंग को बिल्कुल फिर से जीरो कर दिया तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी हर्डल द वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन द स्पेस, और अगर हम डैम्पिंग को बढ़ाते हैं तो देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो शार्पली डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, इसी तरह डैम्पिंग को ख़त्म कर देते हैं। फिर एक चीज़ होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग। याद रखिए बच्चों, टेंशन जितनी मैक्सिमम होगी स्पीड ऑफ वेव उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए मैं टेंशन को रिड्यूस करूँगा, व्हाट्स हैपनिंग, जो वेव की स्पीड है वो पहले से कम हो रही है, मैं टेंशन को और कम कर रहा हूँ, वेव की स्पीड और कम हो रही है, टेंशन को बहुत लो कर देंगे तो देखें वेव ऐसे जैसे वेव को नींद आने लग गई तो वेव की स्पीड और कम हो गई है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी आपने क्लियर रखना है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग में, मीडियम में इलास्टिसिटी होगी, इस टेंशन को हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा जो होगी वो स्पीड ऑफ द वेव होगी। तो अभी हमने देखी ट्रांसवर्स वेव, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फॉर द मोशन ऑफ या फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स अब देखें इस पिक्चर में, अब इस पिक्चर में हमारे पास, इस एनिमेशन में हमारे पास दोनों वेव्स हैं, ये कौन सी हो गई, ट्रांसवर्स वेव। अब नीचे ऑब्जर्व करें लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर आप गौर से यूं करें कि अपनी आंखों को ना तकरीबन 80% क्लोज करके इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को ऑब्जर्व करें, आपको 80% क्लोज करने पे ये महसूस होगा कि इस वेव में कुछ ऐसा है जो राइट साइड की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। अब पहले तो उस प्रोपोगेशन को समझ लें, अगेन ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। अब आप किसी एक लाइन को फोकस कर लें, लेट्स से किसी एक रेड लाइन को फोकस कर लें। अब ये जो रेड लाइन है ये अपनी जगह पर ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रही है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नाउ कंपेयर इट विद द मोशन ऑफ दिस, इसमें पार्टिकल्स का मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव है और इसमें पार्टिकल का मोशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है। तो स्टूडेंट्स इस वेव को आप जब अब गौर से देखें तो इसमें बार बार कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये सारी लाइंस एक दूसरे के करीब आती हैं, वो जहां पर ये एक दूसरे के करीब आती हैं उन पॉइंट्स को कहते हैं कंप्रेशन, और कुछ पॉइंट्स जहां पर ये लाइंस एक दूसरे से दूर हटती हैं, जैसे ये कर्सर को देखें तो यहां पर ये लाइंस एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। अब इसको अगर हम साउंड फिल्म में देखें तो ये देखें एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे येलो पॉइंट्स जो लगे हुए हैं ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल, ये इस तरह की प्रोपोगेशन होती है, और ये ट्रांसवर्स वेव। अब सवाल को दोबारा फर्स्ट कंडीशन पर ले जाते हैं, इन दोनों वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब हवा नहीं है तो एयर मॉलिक्यूल्स में कोई कंप्रेशन, कोई रेयरफैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्ट्रिंग नहीं है तो उसमें स्ट्रिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। सो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुल मिला के कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स को रिक्वायर होता है मीडियम। बट वेट अ मिनट, मीडियम तो या सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकती है। अब मैं आपको जो अगली चीज क्लियर करने जा रहा हूं वो ये कि किस मीडियम में कौन सी वेव प्रोपोगेट कर सकती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल से।
तो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, क्या आपको आज से पहले ये पता था कि ये जो अर्थक्वेक होता है, ये जो जलजला होता है, ये भी एक वेव होता है। ऑब्वियसली वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस जब भी किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स करती हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो एक डिज़ाइन सा नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली जो तीन सर्कल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। जैसे बिल्कुल ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये कोर है, उसके ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं मेंटल सरफेस है, और उसके ऊपर क्रस्ट है। अब ये जो तीनों सरफेसेस है ना, इनकी तीन डिफरेंट नेचर्स हैं। जो सबसे टॉप वाला सरफेस है, ये सॉलिड पार्ट है। जो मेंटल और क्रस्ट है, ये मोस्टली मोल्टन फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पर जो पी वेव और एस वेव हैं, ये बेसिकली अर्थक्वेक जलजले की वेव्स की दो किस्में हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है अर्थक्वेक मेकिंग की, कि हम ये वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो आप ऑब्जर्व करें कि कौन सी वेव्स क्रिएट हो रही हैं और वो कैसे आगे प्रोपोगेट कर रही हैं। बस ये बात याद रखें कि जो फर्स्ट पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है, और अगले जो पार्ट्स हैं, ये लिक्विड पार्ट्स हैं। तो लेट्स मेक अर्थक्वेक वेव्स। टेक अ लुक अगेन। अब बच्चों, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव, ये एक ट्रांसवर्स मोशन की सूरत में प्रोपोगेट कर रही थी। बट व्हाट हैपेंड, दिस ट्रांसवर्स वेव डैम्प्ड इन द सॉलिड पोर्शन, और ये ट्रांसवर्स वेव जो है, ये आगे मोल्टन स्टेट में, यानी लिक्विड फॉर्मेट में प्रोपोगेट नहीं कर सकी। तो अगरचे ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव्स हैं और इनको मीडियम भी रिक्वायर होता है, तो याद रखें ट्रांसवर्स वेव को जो मीडियम रिक्वायर होता है, उसका सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगेन टेक अ लुक कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड पार्ट से प्रोपोगेट कर रही है, और आगे लिक्विड या मोल्टन पार्ट में उनकी कोई प्रोपोगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखें पी वेव, यानी प्राइमरी वेव्स को, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कंप्रेशनल वेव्स की शक्ल में ट्रेवल कर रही है। जस्ट ऑब्जर्व कि ये कोर तक प्रोपोगेट करके गई हैं। तो ये जहां से चली हैं, वहां से कोर तक प्रोपोगेशन चल रही है, एंड सो ऑन। तो अब इस स्लाइड में, इस वीडियो के पोर्शन में आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और इवन गैसेस में भी, क्योंकि जो एयर है वो गैस है और साउंड वेव्स उस गैस में प्रोपोगेट कर रही। तो मुझे फिर रिपीट करें मेरे साथ कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, दे कैन ओनली सेट अप इन सॉलिड्स, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दे कैन सेट अप इन बोथ लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स, सॉरी सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो सॉलिड पार्ट में भी और फ्लूइड में दोनों चीज़ें रहती हैं, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। तो यहाँ तक तो हमने वेव को थोड़ा सा समझ लिया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब जो वेव्स मीडियम रिक्वायर नहीं करती, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, मैं उनकी थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको बताता हूँ कि वो असल में, उनको मीडियम क्यों रिक्वायर नहीं होता, वो कैसे प्रोपोगेट करती। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो ये आप एक खूबसूरत सा वेव फिनोमेना देख रहे हैं, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इसको बेसिक आइडिया पे ये याद रखें कि ये वेव बेसिकली चार्जेस के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी मटेरियल में, किसी वायर में चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, तो उनसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं। अब मैं आपको इसको पहले तो बिल्कुल ब्लैंक करके समझाता हूँ कि चार्जेस जब ऑसिलेट करते हैं ना, तो बेसिकली वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर इस प्लेन में ये जो आपको वेक्टर्स अप एंड डाउन जाते नजर आ रहे हैं, ये किसी चार्ज की ऑसिलेटरी मोशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी ये सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेव फॉर्म है। और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल होता है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। Why this wave is called electromagnetic? अभी आपको मैं जो wave का portion दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ electric portion है। अब अगर यहाँ पर हम इसका magnetic component भी on कर देते हैं और उसका plane भी active कर देते हैं, तो गौर से देखें कि electric और magnetic fields ये एक दूसरे को खुद reproduce करती चली जा रही हैं,
और ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पर एक वेक्टर बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी डायरेक्शन, तो इट इज प्रोपेगेटिंग इन सम डायरेक्शन। और इतनी बात तो आपको पता होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सिंपली नोन एज लाइट, और लाइट जो है वो स्पेस में प्रोपेगेट करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये वो वेव है स्टूडेंट जो सूरज से ज़मीन तक, अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल लें, सूरज से ज़मीन तक कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देर इज़ नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब एयर नहीं है तो देखें सूरज पर होने वाले बड़े बड़े धमाके हमें सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन सूरज से जो रोशनी है लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हम तक पहुँच रही है बिकॉज उसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, और वो वेव जो है वो इजीली प्रोपोगेट करती हुई स्पेस से ट्रेवल करती हुई आ रही। अब आपने इस लाइट वेव के बारे में एक बिहेवियर याद रखना है, मुझे ये बताइए लाइट वेव की शेप आपको कैसी लग रही है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। अब लाइट वेव भी वेव है और वेव की दो ही टाइप्स होती हैं, या वो वेव ट्रांसवर्स होती है या लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर तो बड़ा क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि जो वेव मोशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये ट्रांसवर्स मोशन है। तो यहाँ पर एक आइडिया और दिमाग में बिठा लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट वेव्स बाय नेचर क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। अब इनको ट्रांसवर्स कौन किस तरह प्रूव किया जा सकता है, ये ट्रांसवर्स है हमें तो नज़र नहीं आती, हमें तो सिर्फ रोशनी नज़र आती है, उसके अंदर कोई वेव फॉर्म तो नज़र नहीं आती। तो उसके लिए एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये फिनोमेना मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा एक और एनिमेशन में, लेकिन अभी हम आगे चलेंगे वेव्स के बेसिक आइडियाज पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया हमारे चैप्टर नंबर 8 में आता है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। लें भाई स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर। अब हमारी बुक में टॉपिक है सुपरपोजिशन। अब उसमें तो सिर्फ इमेजेस बने हैं, सिर्फ डायग्राम्स बनी हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर वे में देखेंगे कि सुपरपोजिशन होती कैसे। यहाँ पर मैं एक एनिमेशन को चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इसको रोक के देखते हैं कि दो वेव पल्सेज हैं और ये दोनों वेव पल्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ये वेव वन समझ लें, इसको वेव टू समझ लें, और दोनों क्रस्ट और क्रस्ट बनकर आपस में मिल रहे हैं। अब अगर मैं एनिमेशन रन करता हूँ और ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सम अप होती हैं, तो जस्ट ऑब्जर्व एट दैट पॉइंट। अब ये जो रेड लाइन है ना, ये इनका रिजल्टेंट शो कर रही कि जब दोनों वेव्स के क्रस्ट आपस में मिलते हैं तो वेव्स एक दूसरे के साथ बेसिकली इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं। इस प्रोसेस को सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स कहते हैं। तो यहां पर देखें क्रस्ट, जब क्रस्ट में मिलता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी जो रेड लाइन है वो पहले से बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसको दोबारा चला देंगे तो दोनों वेव्स उसी तरह अपनी अपनी एनर्जी को कैरी करते हुए आगे बढ़ जाएंगी। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम इस एनिमेशन को रोककर क्रस्ट को चेंज कर दें ट्रफ में, तो अब एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो आपने रेड लाइन की इंटरफेरेंस को देखें, रेड लाइन की सुपरपोजिशन को देखें। ये रेड लाइन पहले तो यूं एक हायर एम्पलीट्यूड बना रही थी, लेकिन अब चूंकि क्रस्ट किसके साथ मिल रहा है, ट्रफ के साथ, तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो यही बात आपको याद रखनी है, आज के बाद सुपरपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे, याद रखें जहां पर क्रस्ट क्रस्ट में मिलेगा या फिर ट्रफ ट्रफ में मिलेगा, वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रस्ट क्रस्ट में ऐड हो या ट्रफ ट्रफ में ऐड हो, दोनों एक जैसी नेचर के एम्पलीट्यूड आपस में ऐड अप होंगे तो रिजल्टेंट बढ़ेगा, और अगर नहीं तो फिर रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा या जीरो हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, हम क्रस्ट और क्रस्ट देखें, यहां पर दोनों क्रस्ट बन गए। अब दोनों क्रस्ट हैं तो फिर भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, दोनों ट्रफ हैं तो भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ अगर सामने है तो एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, यही जो सुपरपोजिशन है, इससे रिलेटेड आपके बुक में तीन पॉइंट्स लिखे हैं। वो तीन पॉइंट्स जो किस बारे में है, इंटरफेरेंस, फिर बीट्स और फिर स्टेशनरी वेव्स। तो चलें एक एक करके हम इन फिनोमेना से गुजरते हैं कि पहले सुपरपोजिशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स,
अब जो आपके सामने एनिमेशन चल रही है वो चैप्टर नंबर 8 सुपरपोजिशन में जो एक पहली डेफिनेशन है इंटरफेरेंस की। अब यहाँ पे सबसे पहले एनिमेशन को समझना, यहाँ पे वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है, और जो थर्ड वेव है वो बेसिकली वेव नंबर 1 प्लस वेव नंबर 2 है, यानी इन दोनों का सम है या सुपरपोजिशन है। अब इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस ये होता है कि इफ देयर आर टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब इन दोनों वेव 1 और 2 को गौर से देखें, बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और ऐसा हो स्टूडेंट्स कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ रहा हो और ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा हो, तो इसको इंटरफेरेंस तो कहेंगे मगर हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड पहले से बढ़ गया है। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो क्या देख रहे हैं आप कि क्रस्ट के सामने चल रहा है ट्रफ और ट्रफ के सामने चल रहा है क्रस्ट। इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के एड अप होने से हमें रिजल्टेंट में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अब ये दो प्रोसेस इंटरफेरेंस के, दो वेव्स होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वो इंटरफेयर करेगी। अब या वो इंटरफेयर कर सकती हैं कंस्ट्रक्टिवली या वो इंटरफेयर कर सकती हैं डिस्ट्रक्टिवली। इसकी एक एग्जांपल हमारी बुक में बनी हुई है जहां पर स्पीकर्स में से साउंड निकलता है और वो सामने इंटरफेयर करता है, तो मैं आपको उस एनिमेशन तक लेकर जाता हूं कि वहां पर इंटरफेरेंस बेसिकली एनिमेटेड वे में कैसे हो रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां से एक वेव आ रही जो इस स्लिट में से गुजरने पर डायफ्रैक्ट हो रही है, और फिर हमारे पास दो मजीद स्लिट्स हैं। ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 9 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की शक्ल में पढ़ते हैं। तो नाउ वॉच द डेफिनेशन, वन वेव एंड टू वेव, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स कि कुछ जगहों पर क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है और ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, और कुछ जगहों पर क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं। तो सामने स्क्रीन पर आपको कुछ जगहों पर ब्राइट स्पॉट्स, ये ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, और कुछ जगहों पर डार्क स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। और अगली बात याद रखें, जहां पर ये डॉट शो किए हुए हैं ना, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहां पर या तो क्रस्ट क्रस्ट में ऐड हो रहा है या ट्रफ ट्रफ में ऐड हो रहा है। और यहां पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सिमिलरली वो पॉइंट जहां पर डार्कनेस अप्रोच कर रही है, वहां पर या तो क्रस्ट में ट्रफ ऐड हो रहा है या ट्रफ में क्रस्ट ऐड हो रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। और स्टूडेंट्स, यही वो इंटरफेरेंस फिनोमेना है जिसकी वजह से आपको जो बुलबुले होते हैं, जो सोप बबल्स होते हैं, उनके ऊपर जो सूरज की रोशनी में कलर्स अपीयर होते हैं वो नजर आते हैं, वो सब के सब कलर्स होते हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? द इंटरफेरेंस इज टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस के बाद आती है सेकेंड डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं बीट्स फिनोमेना। अब जो बीट्स फिनोमेना है उसकी डेफिनेशन ये थी कि देयर मस्ट बी टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो रेड और ब्लू वेव है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच नहीं करती, थोड़ी सी डिफर करती हैं। इनके एड अप होने से, इनके सुपरपोज करने से जो रिजल्टेंट बनता है, उस रिजल्टेंट में आप देखें कि देयर इज अ पीरियोडिक इंक्रीज एंड देन अ पीरियोडिक डिक्रीज इन द वेव। तो हम क्या कहते हैं, द पीरियोडिक राइज और पीरियोडिक फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज नोन एज बीट्स फिनोमेना। अब बीट्स फिनोमेना जो है वो मैं आपको अगर ऑडियो की सूरत में सुनवाऊं, तो यहां पर मैं आपके जो है ना वो ऐड करता हूं बीट्स फिनोमेना के कुछ साउंड्स, जिसको आप सुन सकते हैं कि 1-2-3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है जो बीट्स हैं वो कैसी सुनाई देती। Thank you.
स्टूडेंट्स, बीट्स फिनोमेना के बाद जो नेक्स्ट फिनोमेना अब हम अंडरस्टैंड करेंगे वो एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वेव जब किसी बाउंड्री से टकराती हैं तो टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन इस रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं। यहां पर आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, फ्री एंड एंड फिक्स्ड एंड। फ्री एंड एक ऐसा मीडियम जिसको वेव जब हिट करे तो उसके पार्टिकल्स को भी वो वाइब्रेट करवा सकती है। दैट सॉर्ट ऑफ वेव रिफ्लेक्शन विल बी नोन एज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड या रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर बाउंड्री। इस सूरत हाल में क्या होता है कि वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो अगर वो क्रस्ट बनकर आएगी तो वो रिफ्लेक्ट भी एज अ क्रस्ट ही करेगी। लाइक इफ आई प्ले द एनिमेशन, तो ये फ्री एंड से जो रिफ्लेक्शन है वेव एक क्रस्ट बनकर आ रही है और रिफ्लेक्ट भी क्रस्ट बनकर जा रही है। वैसी सूरत हाल में कहेंगे कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, यानी वो पार्ट ऑफ द वेव पहले भी क्रस्ट था और अब भी क्रस्ट है। तो आप सब बच्चों ने ये बात याद रखनी है कि वेव जब किसी फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं आता। इसको रोक के अब हम फ्री के बजाय फिक्स्ड एंड को सिलेक्ट करते हैं। फिक्स्ड एंड एक ऐसा एंड है जिसके पार्टिकल्स को वेव डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो उससे क्या होगा, उससे वेव अगर क्रस्ट बनकर टकराती है तो रिएक्शन की वजह से वो ट्रफ बनकर वापस पलटती है। जस्ट ऑब्जर्व, देखें ये क्रस्ट बनकर आ रही और ट्रफ बन के वापस जा रही है। अब आप यहां पे कहेंगे कि वेव रिफ्लेक्ट हुई है एक फिक्स बाउंड्री से, वेव रिफ्लेक्ट हुई है एक डेंस बाउंड्री से, और डेंस बाउंड्री से जब कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसका जो फेज है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाता है, यानी जो क्रस्ट है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टूडेंट दूसरा पोर्शन हमने समझा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इससे आगे हम क्रिएट करेंगे स्टेशनरी वेव्स जो स्ट्रिंग में रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड। तो लेट्स सी। हां जी, तो बच्चों आपकी बुक में जैसे कि डेफिनेशन लिखी है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की कि देयर मस्ट बी टू वेव्स। तो ये देखें जी, हमारे पास दो वेव्स हैं, वेव वन और वेव टू, एंड द वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप वेव वन को ऑब्जर्व करें तो इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और वेव टू को ऑब्जर्व करें तो इट इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अब इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, ये प्रोड्यूस कर रही हैं स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स सुपरपोजिशन हमें या हमें विजिबली कैसी नजर आती हैं, तो आप अब इस सुपरपोजिशन को जरा गौर से देखें। आपको क्या ये वेव ट्रेवल करती हुई नजर आ रही? मैं अगर इसकी स्पीड जो है उसको नॉर्मल कर दूं तो जस्ट ऑब्जर्व, ऊपर वाली तो दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, एक राइट को और लेफ्ट को, लेकिन उनके सुपरपोजिशन से जो वेव हमें नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेवल कर ही नहीं रही, ये एक जगह पे फिक्स्डली अपनी वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रही है। तो पूरी वेव में अब आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे, जैसे मैं एक पॉइंट पे कर्सर अगर फिट कर दूं तो देखें ये पॉइंट कहीं मूव ही नहीं कर रहा अप एंड डाउन। अब ये फिक्स पॉइंट और उसके बाद ये नेक्स्ट फिक्स पॉइंट, ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन कर रही है दोनों डायरेक्शन में। तो स्टैंडिंग वेव में ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं नोड, और स्टैंडिंग वेव में ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है इसको बच्चों क्या कहते हैं, एंटी नोड्स। अब ये जो स्टेशनरी वेव है, इससे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन का टॉपिक क्यों पढ़ाया था, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एक वेव जब किसी बाउंड्री की तरफ जा रही है तो उसी वेव ने रिफ्लेक्ट होके वापस भी आना है। तो देर वुड बी टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे मस्ट प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। तो इन्हीं स्टेशनरी वेव्स की रिफ्लेक्शन की मदद से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि हाउ स्टेशनरी वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक वेव राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, और यहां पर क्या पॉइंट सिलेक्टेड है, फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, यानी ये जब टकराएगी तो इसका फेज 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। बट यू हैव टू ऑब्जर्व,
अब देखें ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो अब यूँ समझ लें कि जो रेड पोर्शन है ये वो वेव है जो राइट को ट्रेवल कर रही है, और ये जो ब्लू वेव है ये रिफ्लेक्टेड वेव है जो वापसी की तरफ सफ़र कर रही है, और इन दोनों के सुपर पोजिशन से अब गौर से देखें वो वेव जन्म ले रही है, वो वेव बन रही है जो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रेवल कर ही नहीं रही, जो अपनी जगह एंटी नोड्स और नोड्स की शक्ल में मूव कर रही है। मैं यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को अगर रिमूव कर देता हूँ तो यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली। अब देखें यहाँ पे ए लिखा है मींस ये एंटी नोड का पोर्शन है, और यहाँ पे एन और एन लिखा है तो ये फिक्स पॉइंट्स हैं जो नोड के पोर्शन हैं। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री को फ्री एंड पे ले जाता हूँ तो तब भी तो वेव ने रिफ्लेक्ट हो रहा ना, वेव ने वापस आना है। तो लेट से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेव मोशन, तो वेव ट्रेवल करती हुई आ रही है। इसमें हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों का स्विच पहले ऑन कर देते हैं। अब सिर्फ इतना होगा कि वेव रिफ्लेक्ट तो होगी लेकिन आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इन फेज रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन फिर भी बात तो वही है कि देयर विल बी टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये रेड वेव इस वक्त इंसिडेंट वेव है, और ये ब्लू वेव रिफ्लेक्टेड वेव है। अगेन अगर मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को कुछ देर के लिए गायब कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये दो वेव्स की सुपरपोजिशन से आपको कौन सा फिनोमिना नजर आएगा? दैट फिनोमिना इज द फिनोमिना ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ रहे हैं, देख रहे हैं? तो ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। कब प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन टू वेव्स आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये कहां पर काम आती हैं? जस्ट ऑब्जर्व, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो दो एंड से फिक्स्ड होती हैं, उनको जब प्लग करें तो उनके दरमियान दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई वेव बनेगी, फिक्स पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई वेव बनेगी तो वो क्या होगी? स्टेशनरी। तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उन सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में स्टेशनरी वेव्स यूज होती हैं। अब हमारी बुक में दो तरह के टॉपिक्स हैं, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। मैं आपको एक एनिमेशन में ये दोनों भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि गिटार की स्ट्रिंग्स में जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ये देखें स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको सिंपल दो तरह की वेव्स, ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है जो किसी पाइप में प्रोड्यूस हो रही है। अभी जो स्ट्रिंग है वो एक सिंगल लूप में वाइब्रेट कर रही है तो इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। अब उसके बाद अगर एक स्ट्रिंग दो लूप्स में वाइब्रेट करती है तो इसको हम सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं। फिर इसी तरह अगर कोई वेव थ्री लूप्स क्रिएट कर रही है तो इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, और ये वेव्स बन किस वजह से रही हैं? वेरी सिंपली, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं इसकी स्पीड को ज़रा स्लो करूं, और अगर आप ब्लू और रेड वेव को गौर से देखें तो देर आर टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर गिविंग राइज टू द स्टेशनरी वेव। सेम इसी तरह जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स बढ़ती जाएंगी स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। यानी मैं एक ही स्पीड पे रखते हुए अगर फर्स्ट हार्मोनिक क्रिएट कर रहा हूँ तो इसकी स्पीड कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर मैं सिक्स्थ हार्मोनिक क्रिएट कर रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अलबत्ता स्पीड जो है वो दोनों केसेज में सेम रहेगी। अब ये तो ट्रांसवर्स लॉन्ग स्टेशनरी वेव है ना, अब नीचे देखें आप, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है, इसका जो पैटर्न है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया कि स्टेशनरी वेव्स दो फिक्स एंड्स के दरमियान कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब चलते हैं गिटार की तरफ। ये देखें जी स्टूडेंट्स, गिटार में अब क्या है, गिटार में दो फिक्स एंड्स हैं, एक इस एंड से स्ट्रिंग फिक्स है, एक दूसरे एंड से स्ट्रिंग फिक्स्ड है, और अभी ये फर्स्ट हार्मोनिक क्रिएट हो रहा है। अब आपने देखा होगा गिटार बजाते हुए जो सिंगर होता है वो अपनी फिंगर्स को डिफरेंट पोजीशंस पर रखकर मूव करता है, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि नंबर ऑफ लूप्स बढ़ती हैं, लेंथ चेंज होती है उससे नंबर ऑफ लूप्स चेंज होती है, और नंबर ऑफ लूप्स के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फिंगर पोजिशन, तो जैसे ही देखें मैं फिंगर पोजिशन को
फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ तो जो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है वो पहले से तेज़ हुई है। अब वाइब्रेशन तेज़ होगी तो स्ट्रिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होगा। तो अभी ये कौन सा, ये फर्स्ट हारमोनिक है। अब सेम इसी तरह अगर हम सेकेंड हारमोनिक पर चले जाएँ गिटार पर, तो दैट्स अ सेकेंड हारमोनिक, और हम फिंगर पोजिशन को चेंज करेंगे तो देखें वो रहेगा सेकेंड हारमोनिक ही, लेकिन लेंथ के कम होने से जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से चेंज होती जा रही है। सेम इसी तरह लेट्स से फिफ्थ हारमोनिक पे आ जाते हैं, और फिफ्थ हारमोनिक पे तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन हम जब फिंगर को और ज़्यादा आगे प्रेस करेंगे तो लेंथ कम होती जाएगी। लेंथ क्यों कम हो रही है, क्योंकि फिंगर पहला फिक्स पॉइंट क्रिएट कर रही है और ये दूसरा फिक्स पॉइंट। अगर फिंगर मौजूद नहीं है ना तो ये और ये दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स हैं, लेकिन जहाँ पर फिंगर प्लेस की जाएगी तो फिर जहाँ पर फिंगर मौजूद होगी वो वाला पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट का काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आखिर में स्टूडेंट्स, मैं स्टेशनरी वेव्स के मुतालिक आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँ कि जब हम इसको स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रिंग में हमारे पास दो एंड से स्ट्रिंग फिक्स होती है, और उन दोनों एंड्स पर जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो नोड्स बनते हैं। फिर दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं एयर कॉलम्स, तो एयर कॉलम्स में आपको बताया जाता है कि जहाँ पर ओपन एंडेड पोर्शन होता है वहाँ पर एंटी नोड्स बनते हैं। तो वॉच इट कि वेव अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रही है ओपन एंड्स पर, दोनों जानिब देखें तो जो पाइप दोनों साइडों से ओपन होगा उसके दोनों एंड्स पर एंटी नोड्स बनने चाहिए हैं, और जो पाइप एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज होगा तो क्लोज एंड पर जो फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो बिल्कुल जीरो है। लिहाजा क्लोज एंड पे नोड बनेगा और ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये आज का एक लेक्चर था स्टूडेंट, जिसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वेव्स के मुतालिक सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ ताकि आप इसको अच्छे से समझें। हाँ, अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो और आप किसी एनिमेशन के ज़रिए मज़ीद कोई टॉपिक समझना चाहें तो कमेंट्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।